अब जो है अभी हम समझने के लिए क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप्स को समझते हैं वन बाय वन। इसको हम यहाँ पे अभी बटन बंद कर देते हैं, ये सारे बटन हमने यहाँ पे बंद कर दिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं सेल्स रैंक। सेल्स रैंक का हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है। अब आप जो है किस क्राइटेरिया में जाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्राइटेरिया क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 महीने के डेटा में BSR इसका कहाँ तक गया है, 5000 तक, मैक्सिमम 5000 तक ये पूरे 3 महीने के डेटा में गया है, इससे अबव नहीं गया। अब आप यहाँ पे जब कर्सर लाते हो अपना, तो यहाँ पे ग्रीन कलर का पॉपअप दिख रहा है आपको जिसपे लिखा हुआ है सेल्स रैंक 3799, मतलब 3799 जो है इसका सेल्स रैंक है, ठीक है। ये कब है, यहाँ पे आप नीचे कर्सर लाओगे तो आपको डेट भी दिखा रहा था 7 मार्च को, कितने बज के कितने मिनट, ये सारा दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप जब यहाँ लाते हो तो सेल्स रैंक कितना आ गया, 4547, यहाँ अगर देखते हो तो 3395, यहाँ कम हो गया, यहाँ ज्यादा था, यहाँ और कम था। स्टार्ट से अगर बात करें तो यहाँ पे जो है अगर इसका डेटा देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा हाई था, हाई से मुराद ये है कि 2372 था, अब इससे कम हो गया था तो इसमें ये आ गया था 900 तक, इसके बाद ये बढ़ता चला गया, ठीक है। BSR को आप इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह की लैंडिंग्स में। अच्छा, सेल्स रैंक को हम इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से आप कर्सर लाते रहते हो आपको बताते हैं कि कब इसका सेल्स रैंक कितना हाई था, कब कितना लो हुआ। अब वो आप डिसाइड करोगे आपके क्राइटेरिया के मुताबिक कितना है। ये जितनी भी लैंडिंग्स आप देख रहे हैं, हाईएस्ट कहाँ तक गई है, ये गई है 4174। अच्छा, अगर ऐसा होता कि मैं कहता हूँ कि अगर आपका BSR जो है सेल्स रैंक, अगर ये 3 महीने के डेटा के स्टार्टिंग में आपका क्राइटेरिया से अबव होता, तो यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे जो है आपके क्राइटेरिया से अबव है 70,000, 75,000, 80,000, ठीक है। अगर 70,000, 75,000, 80,000 ये स्टार्टिंग में यहाँ पे है और आप ये देखते हैं कि इसके बाद इसका डेटा गिरता गया है, मतलब सेल्स रैंक जो है 3 महीने के स्टार्ट में हाईएस्ट था आपके क्राइटेरिया से अबव था, उसके बाद जो है फिर ये डेटा इसका गिरता गया, नीचे आता गया, मुसलसल नीचे आता गया, डिक्रीज होता गया, जिस तरह से मेरा माउस का कर्सर आ रहा है उस तरह से अगर ये डिक्रीज आता गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रोडक्ट का BSR अच्छा होता चला गया। BSR गिरना अच्छी बात है, BSR बढ़ना बेहतर नहीं है। तो जितना BSR गिरता है उतनी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, जितना BSR बढ़ता है उतनी प्रोडक्ट की डिमांड गिरती है। अगर ऐसा होता है स्टार्टिंग में हाईएस्ट होता, मतलब क्राइटेरिया से अबव होता, और फिर उसके बाद मुसलसल गिर रहा है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट बेहतर हो रही है, उस सूरत में हम जा सकते हैं। अगर ऐसा होता कि आपकी प्रोडक्ट का BSR करंट अगर देखें तो ये होता आपके क्राइटेरिया से अबव, मीन्स अगर 60,000 आपका क्राइटेरिया है तो वहां पे ये 70,000, 75,000 या 80,000 तक होता, तो आप क्या करते, ये देखते कि पिछले, मतलब अगर 70,000, 75,000, 80,000 अभी है करंटली और फिर जो है पिछले डेटा में बेहतर है, इस ग्राफ को ही देख लें कि अभी जो है लेट सपोज यहाँ पे अभी जो वैल्यू आ रही है 4547 और पिछले डेटा में गिरती चली गई, मतलब ये पिछले डेटा में बेहतर थी प्रोडक्ट, ठीक है, 1100 तक था लोवेस्ट जो इसका गया है, 1100 तक, मतलब लोवेस्ट गया है तो अच्छी बात है। तो अगर ऐसी सूरत है तो आपको नहीं जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये अभी बढ़ चुका है, मजीद आगे कितना बढ़ेगा, तो BSR का हाई होना बेहतर नहीं है। तो अब इस सूरत में फिर आप उस प्रोडक्ट में नहीं जा सकते।